भजन संहिता 17 अत्याचारी से बचाने के लिए प्रार्थना। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। मेरी प्रार्थना की ओर निष्पक्ष मुंह से निकलती है, कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझसे देखा है, तूने मुझे परखा है, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैं ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रोध किसी चाल अपने को बचाए रहा। मेरे पाँव तेरे पत्थों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे ईश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना की है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वार अपने सड़गतों को उसके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख। अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं, उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर लिया है। उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती है। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है। वे हमको भूमि पटपटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की लालसा करता है, और जवान सिंहों के समान घात लगाने के लिए स्थानों में बैठा रहता है। उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे। अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा, मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारिक मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुंह का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। भजन संहिता 18 दाऊद का मुक्ति गान। हे परमेश्वर मेरे बल, मैं तुझे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरे ढाल और मेरे मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग है पुकारा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचा जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूं और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उनके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी, और पहाड़ों की नींव कपती होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उनके नथनों से धुआं निकला, उनके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयल दहक उठे। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांवों तले घोर अंधकार था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट पड़ी और ओले और अंगारे भी। तब यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई,
ओले और अंगारे उससे अपने तीर चलाकर उसके तितर बितर किया, वरन बिजलियाँ गिराकर उसने परास्त किया। तब जल के नाले देख पड़े और जल की नींव प्रकट हुई। यहोवा तो हे यहोवा तेरी आड़ से और तेरी नथनों की सांत की झोंक से हुआ। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरी बलवंत शत्रु से और उससे जो मुझे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थ्य थे। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की सुस्तक अनुसार उसने मुझे बदला दिया। क्योंकि मैं यहोवा के मार्ग पर चलता रहा और दुष्टा के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा। मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा। यहोवा ने मुझे मेरे अधर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस सुहता के अनुसार जिससे वह दिखता था। दायवंत के साथ तू अपने को दायवंत दिखाता और खरे मनुष्यों के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़ों के साथ तू तिरछा बनता है, क्योंकि तूने लोगों को तो बचाता है परंतु घमंडी भरी आंखों को नीचा करता है। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है, क्योंकि तेरा सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांघ जाता हूँ। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब सड़गतों की ढाल है। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरी कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वह मेरे पैरों को हरणियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने महत्व दिए हैं। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूँगा और जब तक उनका अंत ना करूँ तब तक ना लौटूँगा। मैं उन्हें ऐसा भेदूँगा कि वे उठ ना सकेंगे और वे मेरे पाँवों के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पट्टा बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया है। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी ताकि मैं उनको डांट लगाऊं जो मुझसे वेश रखते हैं। उन्होंने दुहाई दी परंतु उसे कोई भी बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा की दुहाई दी परंतु उसने भी उनको उत्तर ना दिया। तब मैंने उनको कुट कुट कर पवन से उड़ाई, धूल धूल के समान कर दिया। मैं उनको गली कुच्चों के कीचड़ के समान निकाल फेंका। तूने मुझको प्रजा के झगड़ों से छुड़ाया, तूने मुझे अन्य जातियों के प्रधान बनाया है। जिन लोगों को मैं जानता भी ना था वे मेरे अधीन हो गए। मेरे नाम सुनते ही वे मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, परदेशी मेरे वश में हो जाएंगे। परदेशी मुरझा जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरा चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। धन्य है मेरा पलटने वाला ईश्वर जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया। तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता और उपद्रव पुरुषों से बचाता है। इस कारण मैं जाति जाति के समान तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम का भजन गाऊँगा।
वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगा युग करुणा करता रहेगा। आमीन आमीन और फिर आमीन। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। इस वचन को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अनंत जीवन का सहभागी बन जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की।